के ने निकाल लिया, कैसे निकाला, उसके भी तो कोई उपाय होंगे, उसके भी तो कोई बल होगा। काम मोदी कर दिया है, तुम्हारे लिए कुछ करा है? जो काम करेगा उसी कोर्ट मिलेगा सर। बीजेपी ने चांदनी चौक सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन को एक बार फिर मैदान में उतारा है। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के आशुतोष को हराया था। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के दोनों धुरंधरों को टक्कर देने के लिए पंकज गुप्ता को टिकट दिया है। चांदनी चौक सीट पर 1957 से 2014 तक हुए 14 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी ने 4 बार जीत दर्ज की है। हालांकि पिछली बार की तरह एनडीए इस बार भी पूर्ण बहुमत के लिए जी जान से जुटी है, तो वहीं विपक्ष उसे सत्ता से बेदखल करने की कवायद में लगा है। कुल मिलाकर लोगों की नजरों से भी ये चुनाव मोदी बनाम विपक्ष नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा ना, उन्होंने गरीब तबके के लिए क्या किया है? इतना ये घूमते हैं देश विदेश में, क्या लेके आए बाहर से? कुछ नया लेके आए गरीब तबके के लिए? जो इतनी अच्छी योजना मोदी जी ने दी है, आयुष्मान योजना, वो हमारे दिल्ली के सीएम ने लागू नहीं होने दी गरीबों के लिए। इतनी अच्छी योजना लागू होती तो दिल्ली के लोग कई करोड़ लाभ उठाया है। गलियां जो छोटी गलियां हैं वो एमसीडी के पास होती हैं। एमसीडी दिल्ली सरकार का पार्ट नहीं है, और पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली सरकार का पार्ट होता। पुलिस नहीं है दिल्ली के पास, अपनी पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है डीडीए के पास, सारी जगह है। अगर जगह होती तो हो सकता है कि और बहुत से काम हो सकते थे, स्कूल खुल सकते थे, कॉलेज खुल सकते थे। सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है। मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली क्राइम कैपिटल बन रही है, दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। आप स्नैचिंग का आंकड़ा देखिए, आप जितने भी लोग आपको मिलते हैं आप उनसे पूछिए क्या वह सुरक्षित महसूस करते हैं, नहीं करते हैं। अगर दिल्ली के 3 सबसे करप्ट डिपार्टमेंट या जिनसे दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है, वह दिल्ली पुलिस है, डीडीए है और एमसीडी है, तीनों ही भाजपा के हाथ में है। 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने गरीबी दूर करने का हमेशा देश की जनता के साथ वादा किया, लेकिन मोदी जी ने जैसे ही सरकार में आते ही सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेने का प्रयास किया। एक तो हमारे यहाँ नाली भर जाती है, नाली तो हालांकि बना के गए हुए हैं लेकिन वो साफ सफाई नहीं हो पा रही है। पेड़ हमारे यहाँ सूखे लगे हुए हैं दरवाजे पे, वो कब गिर जाएं कोई पता नहीं है। लकड़ी गिरती तो ऐसे लगा अब गिरे और गिर भी गए, क्या ही तो एक बार तो गिर गए थे ये पूरा टूट गया, अब क्या क्या के थक गए, अब के हमने सोच लिया वोट ही ना देंगे। चांदनी चौक, बल्ली मारान, मटिया महल और सदर बाजार में ज्यादातर मुस्लिम और व्यापारी वर्ग के वोटरों की तादाद है। वहीं शकूरपुर, वजीरपुर, आदर्श नगर और मॉडल टाउन में दलित वोटर ज्यादा हैं। हालांकि समस्याएं सबकी एक जैसी हैं। सफाई नहीं होती, कोई नहीं फेंकने आता, कोई फेंकने नहीं आता, सब ये सफाई करते हैं, पानी भर जाता है। मेरा 7 साल हो गए मेरे पेंशन मिले, जहाँ भी जाती हूँ आ जाएगी। सेवा कुटी गई 5 बार में, मांग के भाड़ा ले जाती हूँ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे ये घर देख लो। एक वोट की बहुत कीमत है, और एक वोट हम नहीं देंगे ना तो हार जाएगा, और एक वोट हम दे देंगे तो जीत जाएगा।